नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूं आपको अपने YouTube चैनल संध्या ह्यूमनिस्ट में। दोस्तों, आज मैं उत्तर प्रदेश में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज लेकर आई हूं। अगर आप इस चैनल पर संध्या ह्यूमनिस्ट पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और वीडियो को पूरी देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश में टेक होम राशन योजना से महिलाएं निभा रही हैं माँ और सखी का फर्ज। जी हाँ दोस्त, योजना से जुड़कर बच्चों और गर्भवती महिलाओं को घर पहुंच रही है पौष्टिक आहार। इसमें 60,200 स्वयं सहायता समूहों को योजना से जोड़ा गया है। महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होने के साथ प्रदेश को दे रही हैं स्वस्थ भविष्य। गर्भवती महिला और एक बच्चे की अच्छी ग्रोथ के लिए किन पोषक तत्वों की जरूरत होती है, भला यह एक माँ से बेहतर और कौन जान सकता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की मालवा ब्लॉक की वंदना देवी ने योगी सरकार की ओर से चलाए जा रहे टेक होम राशन योजना से जुड़कर न केवल बच्चों और गर्भवती महिलाओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से उनके घर तक पुष्टाहार पहुंचा रही हैं, बल्कि योजना से जुड़कर अपने परिवार को भी आर्थिक रूप से मजबूत बना रहे हैं। ब्लॉक में उद्योग लघु प्रेरणा महिला लघु उद्योग THR मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टेक होम राशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाने वाली स्वयं सहायता समूह की सदस्य की अध्यक्ष वंदना देवी ने बताया कि जिस यूनिट को पुरुष द्वारा चलाया जाना चाहिए था उसे आज योगी सरकार की बाल विकास योजना के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित किया जा रहा है। सरकार की इस पहल ने मुझे जहां समाज में सम्मान दिलाया है, वहीं इससे हम महिलाओं में एक व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने का विश्वास भी जागा है। वंदना बताती हैं कि 20 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा 8-8 घंटे को दो शिफ्ट में यूनिट को चलाया जा रहा है। सरकार की टेक होम राशन योजना से करीब 60,200 महिला स्वयं सहायता समूह को शामिल किया गया, जो गांव और ब्लॉक पुष्टाहार आहार पहुंचा रही हैं। उन्होंने बताया है कि जागृति प्रेरणा महिला लघु उद्योग वर्तमान में ब्लॉक में 282 आंगनबाड़ियों को टेक होम राशन वितरित करता है और ब्लॉक में 6 महीने से 3 साल से 6 साल के बच्चे, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और किशोर लड़कियों सहित कुल 25,677 लोगों को पौष्टिक आहार पहुंचा रहे हैं। 35 जिलों में मैन्युफैक्चर यूनिट से हो रहा पौष्टिक आहार का उत्पादन। निर्देशन भानु गोस्वामी ने बताया कि पौष्टिक आहार के उत्पादन और आपूर्ति के लिए 45 जिलों में 204 ब्लॉक में एक एक यूनिट की स्थापना की गई है। इससे करीब 485 विकास खंड में पौष्टिक आहार पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भविष्य में प्रदेश के हर जिले में यूनिट की स्थापना की जाएगी, जहां से प्रदेश के सभी 826 विकास खंडों में पौष्टिक आहार का उत्पादन और आपूर्ति की जाएगी। अभी फिलहाल 204 यूनिट में से 36 यूनिट ही योजना से जुड़ सकी हैं। शेष यूनिट में जल्द ही पौष्टिक आहार का उत्पादन शुरू हो जाएगा। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं यूनिट के जरिए दो शिफ्ट में रोजाना 5 मीट्रिक टन का उत्पादन कर रही हैं। अब तक कुल 35,000 मीट्रिक टन से अधिक का उत्पादन किया जा चुका है। इस पहल से आने वाले समय में करीब 1.77 करोड़ लोगों को फायदा होगा। यूनिट के शुरू होने से 4,000 से अधिक ग्रामीण महिलाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। महिलाएं ही लेती हैं सारे फैसले। श्री गोस्वामी जी बताते हैं कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं 5,000 करोड़ रुपए का वार्षिक व्यापार
कर वह सशक्त तो बने ही साथ में स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार दे सके। इस योजना से जहां महिलाओं को प्रतिवर्ष 96,000 रुपए की आय हो रही है, वहीं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 7,00,000 से अधिक सदस्यों को इससे जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। एक यूनिट के निर्माण और संचालन में सालाना 1 करोड़ का खर्च आता है, जो पूरी तरह स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित किया जा रहा है। ऐसे में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ही इसके संचालन से लेकर अन्य सारे फैसले वह खुद लेती हैं। ये वीडियो जो है यूपी के प्रत्येक जिले में होम राशन यूनिट से संबंधित है, जहां 7,00,000 समूहों को रोजगार देने का फैसला लिया गया है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी है? अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करिएगा। और आपका कार्य है कि यह जितने भी समूह सखी हैं उत्तर प्रदेश में, आपको प्रत्येक समूह सखी के पास यह योजना जो है पहुंचानी है आपको घर घर। जी हाँ दोस्तों, घर घर यह योजना पहुंचानी है ताकि सब इसका लाभ ले सकें। अगली वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।